सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, एसवी न्यूज इंडिया, सच्चा वाक्य। आज हम खड़े हैं सूरज कराटे प्लेनेट में। जी हाँ, और यहाँ पर एक नन्हे से कलाकार से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने खेल जगत में बड़ा ही नाम रोशन किया है। उन्होंने अपने माँ बाप का और अपने पूरे जो है कराटे प्लेनेट उसका भी नाम रोशन किया है, और उनसे आपको मिलाते हैं, रूबरू करवाते हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, कुरुक्षेत्र में एक प्रतियोगिता हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है, और 11 वर्षीय इस बालक ने बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो आइए, ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको उनके पास ले चलते हैं। हम कोच साहब हैं जो उनसे बातचीत करते हैं, जो ओनर है, कराटे प्लेनेट के ओनर है उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से ये प्रतिभावान बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और किस प्रकार इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। ये प्रतियोगिता 16, 17, 18 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न राज्यों से लगभग 450 से अधिक खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। इस प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए सक्षम बत्रा ने 11 साल में और 44 किलो से अधिक भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया और बहुत ही शानदार तरीके से इसने फाइटें क्लियर की और इसने स्वर्ण पदक जीता। रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनकी ट्रेनिंग की बात की जाए, किस तरह का इनको यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे कैसे आप इनको ट्रेन कर रहे हैं? शाम को लगभग 2 से 2.5 घंटे ये खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है और करीब करीब 2.5 साल से ये रेगुलर प्रैक्टिस पे है। और इनके माता पिता वरुण बत्रा जी, अंजू बत्रा जी काफ़ी इनकी जो है इसका डाइट का भी और सारा टाइम टेबल का पूरा ध्यान रखते हैं और हमेशा जो है इस खिलाड़ी को सहयोग करते रहते हैं। तो इस खिलाड़ी का जो जीतने का जो श्रेय है ये इनके माता पिता को, और ये तो खिलाड़ी तो प्रैक्टिस कर ही रहे, साथ में विकास मन का जो इनको डायरेक्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं उनको इनका श्रेय जाता है। जी सर, क्या इस मौके पर क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि आप लोगों को, सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को जो है खेल की तरफ जरूर उन्हें भाग लेना चाहिए। जो है इससे आपको बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि एक तो नशे से बच्चा दूर रहेगा, गलत आदतों से दूर रहेगा, उसका टाइम का सदुपयोग कर पाएगा इस तरह की जो है, और स्वस्थ भी उसका रहेगा और एक प्लेटफॉर्म मिलता है उसको एज ए प्लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जिसमें अपने आप को प्रूव कर पाएगा बच्चा। आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं ऐसे जो आप सक्षम नहीं है फीस देने में, तो उनके लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या इनकी ऐसी फ्री कोचिंग की कोई सुविधा आपके यहाँ देने जा रहे हैं कुछ, या कुछ दे रहे हैं अभी? जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, किसी तरह से वो प्रैक्टिस में जो फीस पे नहीं कर पाते या टूर्नामेंट के लिए या जो भी है, तो हमारी एकेडमी और भी बहुत सारी संस्थाएं जो है, जैसे कि साधिका मैडम की जो है लाइफ फाउंडेशन है या और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे से जुड़ी हुई हैं, तो उनको स्पॉन्सर करते रहते हैं और उन खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने देते। और अभी आगे का मैं कार्यक्रम आपको बताऊँ तो अगले महीने हमारा 7 गर्ल्स ओपन कराटे चैलेंज कप 2019 के नाम से हम एक टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं, जो कि हर बार हम टूर्नामेंट करवाते हैं, हर साल उसको जो है टूर्नामेंट करवाते हैं, उसमें 50 रुपीज़ चार्ज रखते हैं। इस बार हमारी जो एकेडमी है और जो संस्थाएं हैं मिलकर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्लान करेंगे, और हम हर बार हिसार लेवल की करवाते हैं, इस बार हम हरियाणा या कोशिश करेंगे इंडिया लेवल पर इस टूर्नामेंट को करवाएं। क्या खासियत रहेगी सर इस टूर्नामेंट की? इस टूर्नामेंट की खासियत ये रहेगी कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए आयोजित करवाई जाएगी और इसमें लड़कियां ही, हम कोशिश करेंगे कि ऑफिशियल भी लड़कियां ही हम तैयार करें, ताकि वो रेफरीशिप भी सब लड़कियां ही करें, बैक स्टेज हमारी एकेडमी या जो भी हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, और ये मेन स्पॉन्सर मतलब लड़कियां ही उसमें चीफ गेस्ट हम करेंगे, कोई ना कोई अच्छी जो समाज के अंदर जो है। और इसमें अर्चना सुहासिनी जी इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर रहते हैं, जो कि जानी मानी हस्ती है हिसार के, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्लान कर रहे हैं इसको। धन्यवाद। नमस्कार सर, पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। सर, मेरा नाम विकास मणकस है और मैं यहाँ पे कोचिंग देता हूँ अकेडमी पे, और शाम को क्लास होती है यहाँ पे 4 से लेके 8 बजे तक जी। उसमें कलर बेल्ट, वाइट बेल्ट, ब्लैक बेल्ट से भी आते हैं। तो इनकी कोचिंग के लिए क्या, किस तरह से आपने इनको कोचिंग दी है और क्या क्या विशेषताएं आपके यहाँ कोचिंग सेंटर में? जो कोचिंग होती है, जैसे नेशनल पैटर्न होता है हमारा ट्रेनिंग का, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। फाइट की ट्रेनिंग है, काता है, सभी हिसाब से इनको ट्रेनिंग दी जाती है जी। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल मेडलिस्ट है, उससे टीम उसकी फाइट होती है सक्षम की, और कराटे में सेकंड टाइम ब्लैक बेल्ट है सक्षम, जो सेकंड टाइम इसने ब्लैक बेल्ट पास की है और यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट है जी। तो काफ़ी पहले इसने मेडल जीते हुए सर ने बताया जैसे कि, और अभी इसने गोल्ड मेडल आया है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा टूर्नामेंट में भी इसका।
धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आपने देखा कि काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है, पहले भी मेडल ले चुके हैं। अब इनके फैमिली से बात करते हैं, इनके माता पिता से बात करते हैं, क्योंकि माता पिता एक बच्चे को उभारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय। वरुण बत्रा माईसेल्फ। बहुत प्राइड मोमेंट्स हैं ये हमारे लिए कि हमारे बेटे ने बहुत बिग अचीवमेंट की जी। और हम चाहेंगे अब नेशनल आगे इंटरनेशनल, एक जिंदगी का टारगेट है, एक देश के लिए कुछ करें। ये एक गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आए, ये मेरी जिंदगी का टारगेट है। उसके लिए हम सर से और विकास सर से, हरीश सर से और हम खुद, और सबसे बड़ी बात है ये खुद मेहनत करें, हम सब इनके साथ इसके साथ है। बहुत बढ़िया सर। गोल्ड मेडल फॉर कंट्री। आज के समय में जहां पेरेंट्स बच्चों को खेलने कूदने से रोकते हैं, जहां उन्हें मना करते हैं, उन ऐसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अभी हरीश सर ने यही बात बताई थी कि स्वास्थ्य, नशा, इन सब से दूर, नशे से दूर ले जाता है और स्वास्थ्य को बहुत इम्प्रूवमेंट मिलती है और माइंड का स्टेमिना बहुत बढ़ता है खेलों से जी। जिस तरह पढ़ाई जरूरी है उसी तरह खेलों का भी बहुत योगदान है हमारी जिंदगी के अंदर। तो इसलिए मैं तो आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, जितनी पढ़ाई जरूरी है हमारे लिए, उतना ही खेल हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। इसलिए बराबर का ही इसके ऊपर कंसंट्रेशन करनी चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप इनकी माता जी से बात करते हैं, वो क्या कहती है? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। माई सेल्फ अंजू बत्रा जी। आज आपके बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है, गोल्ड मेडल लिया है। कहते जब इस तरह की अगर कोई अचीवमेंट होती है तो माँ का कलेजा बहुत फूल जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं वो। आप इस पर क्या कहेंगे? ये तो है सर, सबसे पहले तो माँ का ही होता है। ये बच्चा वैसे बहुत मेहनती है, ये गेम्स में और स्टडी में दोनों में अपना, मतलब कि स्टडी में अपने स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। सभी टीचर्स, प्रिंसिपल मैम सब इससे बहुत खुश है, इस पर गर्व महसूस करते हैं। और स्पोर्ट्स में भी सर, जब इसका नेशनल था 17th को, तो 16th को इसका एग्ज़ाम था और इसको फीवर भी था, लेकिन फिर भी इसके मन में एक जुनून था कि मैंने जाना है, मैंने टूर्नामेंट खेलना है। और ये गया और इसने गोल्ड मेडल लेकर इसने साबित कर दिया कि मैं कुछ हूँ जी। आपको जब ये खेलने के लिए गया तो आपको ऐसी उम्मीद थी कि ये गोल्ड मेडल ले पाएगा? सर उम्मीद तो होती है सर। जी बहुत बढ़िया। इसके पीछे की जो मेहनत है, किस प्रकार से आपने इनका डाइटिंग का और समय सारणी का किस प्रकार से ध्यान रखा? सर इसका एक मैंने टाइम टेबल बना रखा है कि ये स्कूल जाना है, इसके बाद आकर इसको होमवर्क करवाना है, फिर इसको गेम्स के लिए भेजना है, स्पोर्ट्स के लिए। तो इसका पूरा टाइम टेबल बना रखा है मैंने सर। धन्यवाद मैम। अभी हम उस नन्हे खिलाड़ी से मिलेंगे जिसने ये गोल्ड मेडल जीता है और उनसे जानते हैं कितनी खुशी हो रही है उनको। हेलो बच्चे, क्या नाम आपका? मेरा नाम सक्षम है जी। सक्षम जी, आज आपने गोल्ड मेडल जीता है, कितनी खुशी हो रही है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। और क्या लग रहा है कि ये इसका जो श्रेय है आप किसे देना चाहेंगे गोल्ड मेडल? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजन को देना चाहूँगा जी। तो किस तरह की आप, किस तरह से आप लगातार ऐसे कर पा रहे हैं? आपने मेडल भी जीता है पहले भी और अब भी, अब तैयारियाँ किस तरह की आप कर रहे हैं हर बार? अब मैं कराटे क्लास में दो से, एक से दो घंटे आता हूँ, तो मैं उस प्रकार उस समय प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नमस्कार सर। आज इस नन्हे खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है देश के लिए और हम सब के लिए और पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, आप इस पर क्या कहें? सबसे पहले तो मैं बत्रा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और इस बच्चे को आशीर्वाद दूंगा। साथ में कोच साहब खड़े हैं जिनकी लगन और मेहनत से सूरज कराटे प्लेस जो इतनी उन्नति कर रहा है जी। क्योंकि मेरी गुड़िया भी खुद यहाँ पहले थोड़े कराटे सीखने आती थी, अब किसी कारण से नहीं आ पा रही जी, जी। तो मैंने असर से पहली बार रूबरू होने का मौका मिला है इस माध्यम से। तो सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या है कि ये मेरे सेक्टर 14 के वासी है जी, जी। तो हिसार शहर के लिए बड़ी शान की बात है, मेरे सेक्टर के लिए शान की बात है जी। तो मैं तो दोबारा पुनः पूरे बत्रा परिवार को और सर को और पूरे शहर वासियों को से बधाई देता हूँ कि आगे भी ये बच्चा आज शहर का नाम रोशन किया है, आगे भारत में हमारा नाम रोशन करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस बेटे को आशीर्वाद और आप छायाकार बंधुओं का भी बहुत बहुत साधुवाद जो हमें हर जगह कवरेज आप करते रहते हैं, आपका ही बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं रमेश एलावादी, मैं बच्चे का मामा हूँ और हम सब बच्चे का गोल्ड मेडल लाने के ऊपर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और
इस प्रकार की समाज में एक आशा भी करते हैं अगर इसी तरह गुरु और शिष्य का मेल बना रहे और मेहनती स्टूडेंट्स हों, मेहनती स्टूडेंट है तो, और जो गुरु है जो सिखाने वाला होता है उसकी भूमिका बहुत अहम होती है और गुरु का सीना गर्व से फूल जाता है जब इस प्रकार की उपलब्धि कोई स्टूडेंट लेके आता है। तो हमारी तरफ से बच्चे को और इनके गुरुजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बच्चा इसी तरह आगे बढ़ता रहे और जैसे कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि इसकी इच्छा है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये गोल्ड मेडल लाना चाहता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो हम सब की इस बच्चे के साथ दुआएं हैं कि ये बच्चा इसी तरह से इसी जुनून के साथ आगे बढ़ता रहे तो ये उपलब्धि हासिल करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी मैं साधिका अरोड़ा फ्रॉम लाइफ फाउंडेशन और मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ सर को, हरीश सर को और सक्षम बत्रा को जिसने गोल्ड लेके आया। और सर समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं और ये ऑल इंडिया लेवल पे रहता है और लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का स्पेशल रहता है, हम लोगों का फोकस रहता है कि कोई भी लड़की ऐसी ना रह जाए जो सेल्फ डिफेंस से वंचित रह जाए। और ऑलमोस्ट ये मिथ रहता है लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि जो बच्चे जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में हैं वो स्टडी में पीछे रह जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सक्षम बत्रा एक इसका बहुत सटीक एग्जाम्पल है जो स्टडी में भी बहुत अच्छा है और एकेडमिक बहुत अच्छा और सबको प्रूव करके दिखा रहा है। हाँ माँ बाप की थोड़ी मेहनत ज़रूर रहती है और जो गुरुजन हैं हरीश सर तो बच्चे तो सीख ही रहे हैं इनसे और इनके सिखाए हुए कितने ही कोच हर अलग अलग स्कूलों प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी मैम आपसे जानना चाहेंगी आपकी संस्था के थ्रू ऐसा कोई कार्यक्रम विशेष किया जा रहा है कि जिसके अंदर ऐसे खेलों को आगे बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो फ्री कोचिंग हो चाहे लड़कियों को आगे लाने के लिए कोई फ्री कोचिंग हो, ऐसा कुछ आपके भी कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल सर, हम लोग इस चीज़ से एसोसिएटेड रहते हैं, हम लोग समय समय पर यो में भी जाते हैं, सर खुद भी जाते हैं, चैरिटी कॉजेज तो रहते ही। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो सीखना चाहता है तो हमारी एकेडमी उसका स्वागत करती है। अगले महीने ही फ्री टूर्नामेंट भी ऑल इंडिया लेवल पर स्पेशल फॉर गर्ल्स है और उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और हम पूरे ऑल इंडिया से टीम बुलवाएंगे जी। और जो मुझे चाहे जो फ्री जिनका सामर्थ्य नहीं है जो सीखना चाहते हैं और सामर्थ्य नहीं है उनके लिए कुछ, तो उनके लिए सर ऐसा कुछ नहीं है हमारी सोसाइटी का, हम तो अपनी तरफ से करते ही हैं और जितना हम कम कर सकते हैं। बाकी मुझे इतना भरोसा है कि सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं। माई सेल्फ कृतिका गांधी, अंजू इज माई फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, वी ऑल प्राउड ऑफ यू सक्षम, रियली ही इज़ वेरी सिंसियर इन स्टडी, इन स्पोर्ट्स, इन फैमिली, इन ऑल, ही इज़ रियली ऑल राउंडर। मैं इसको बस शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर, कीप इट अप बेटर, थैंक यू। जो ये यात्रा आप यहाँ से यात्रा निकालने जा रहे हैं वो किस तरह से कहाँ होगी, कैसे होगी और आगे की क्या रणनीति होगी? ये विजय जुलूस जो सक्षम बत्रा का भी सम्मान समारोह के रूप में निकाल रहे हैं जी। ये सूरज कराटे प्लेनेट यहाँ से बस स्टैंड के आगे से होते हुए नागोरी गेट से सीटी थाना रोड लेके और जिंदल पार्क के ऊपर से निकल के और सेक्टर 14 के एक नंबर गेट में प्रवेश करेगी और उसके बाद फिर एंट्री करने के बाद गेट नंबर 2 की तरफ ये यात्रा रहेगी और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ जो ये जो है यात्रा रहेगी और सक्षम बत्रा के घर तक ये यात्रा यहाँ पे जाके समाप्त होगी और वहाँ पर चाय पानी का अरेंजमेंट है और आप सभी आमंत्रित हैं उसमें जी जी। और इस प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, इस प्रतियोगिता का मेन आकर्षण जो रहा है इस टूर्नामेंट का मेडल जो कि आज तक का हरियाणा का सबसे हैवी और सबसे बड़ा जो है मेडल रहा है, इससे बड़ा मेडल आज तक हरियाणा के इतिहास में कराटे में कभी भी किसी को नहीं दिया गया। हाँ जी, लगभग 250 ग्राम का मेडल है और 4 इंची साइज इसका मेडल का रहा है, तो ये इस टूर्नामेंट का मेन जो है आकर्षण रहा है जी। इसमें इस टूर्नामेंट में आपके यहाँ से और भी कुछ बच्चे गए थे सिलेक्ट होकर के? हाँ जी, इसमें से काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, पदक भी जीते हैं, काफ़ी अच्छा इशार का, काफ़ी अच्छा मतलब हरियाणा अच्छा इशार का, काफ़ी अच्छा मतलब हरियाणा को प्रथम स्थान इस टूर्नामेंट में मिला है, द्वितीय स्थान पर गुजरात रहा है और तृतीय स्थान पर वेस्ट बंगाल और दिल्ली एक साथ रहेंगे जी। अब तो जैसे कहा जा रहा है कि कराटे को ओलंपिक में भी स्थान दिया जा रहा है तो उस पर आप बताएं जी।
मैं आप सभी को बताना चाहूँगा और मेरे को बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 जो जापान टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं उसमें कराटे को पहली बार शामिल कर लिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जी, धन्यवाद सर।